लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर लोगों से मन की बात करना पसंद आने लगा है। तभी तो केजरीवाल ने रविवार को टॉक टू एके कार्यक्रम के जरिए देश भर की जनता से बातचीत की। इस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने कामकाज की उपलब्धियां गिनवाई और जनता के सवालों के जवाब भी दिए। टॉक टू एके कार्यक्रम में गायक विशाल डल्लानी बतौर होस्ट और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत के आधे घंटे तक केजरीवाल अपनी ही बात करते नजर आए। इस मौके पर केजरीवाल ने दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी जैसे तमाम मुद्दों पर अपनी सरकार के कामकाज का ब्यौरा दिया। अगर अच्छी नीयत वाली सरकार आ जाए तो सब कुछ हो सकता है। लोगों को शिक्षा भी मिल सकती है, लोगों को हेल्थ भी मिल सकती है, सड़कें भी बन सकती है, बिजली भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। पिछले 1.5 साल की हमारी यात्रा ने ये प्रूव कर दिया कि जो हम कहते थे वो सच था। इस दौरान केजरीवाल साहब केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधना नहीं भूले। केजरीवाल ने कहा कि अगर केंद्र दिल्ली में भारत पाकिस्तान जैसी स्थिति नहीं बनाता तो हम 4 गुना बेहतर काम कर पाते। वहीं एक शख्स ने सवाल किया कि आप कहते हैं कि मोदी जी कुछ करने नहीं देते और दूसरी तरफ विज्ञापन निकालते हैं कि हमने अच्छे काम किए। जवाब में केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से दिल्ली विक्टिम बन गई है। काम के अंदर पैसे बचा रहे हैं, हर काम के अंदर पैसे बचा रहे हैं और इस वजह से 2 काम हुए। एक तो पैसे बचाने से इस बार हमने दिल्ली में ढेरों चीजों के ऊपर टैक्स कम कर दिया। हमने इस बार मिठाई पे टैक्स कम कर दिया, चप्पलों पे टैक्स कम कर दिया, कपड़ों पे टैक्स कम कर दिया, ई रिक्शे पे टैक्स कम कर दिया, हमने मार्बल पे टैक्स कम कर दिया, लकड़ी पे टैक्स कम कर दिया, नमकीन पे टैक्स कम कर दिया, ढेरों चीजों के ऊपर हमने टैक्स कम कर दिया। प्रोग्राम के दौरान केजरीवाल से कई अजीब सवाल भी पूछे गए। मनराज नाम के शख्स ने पूछा कि आप लोगों को बेवकूफ बनाना कब बंद करेंगे, तो कई लोगों ने केजरीवाल से नई फिल्मों के रिव्यू भी मांगे। तो वहीं एक शख्स ने केजरीवाल से पूछा कि कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। जनता के ऐसे सवालों को सुनकर लगता है कि केजरीवाल साहब इस कार्यक्रम को दोबारा करने से पहले कई बार सोचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज़।